Hello friends, welcome back to our channel. This is Rev Studies, and in this video we are going to discuss class 9th chapter 1st, and its name is India size and location. And इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है उनको डिस्कस कर लेंगे, फिर कुछ एक उससे मैप से रिलेटेड जो फैक्ट्स रहते हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे. सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको मैप का एक ब्रॉडर व्यू पता होना चाहिए कि इंडिया का मैप कैसा दिखता है. सो ये है इंडिया का मैप, और एज यूजुअल जैसे कि आपको पता है, ये है नॉर्थ डायरेक्शन, ये है वेस्ट डायरेक्शन, ये है ईस्ट डायरेक्शन, ये है साउथ डायरेक्शन. इतना आपको बेसिक सा कवर हो गया. सो जैसे कि आपको पता है, हमने अगर आपने हमारी पहली वीडियोज देखी हैं तो उसमें हमने ग्लोब वगैरह, ग्लोब लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड डिस्कस किया था. सो जैसे कि आपको पता है, ये है हमारा ग्लोब, यहाँ पर है 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड. एंड इससे अपर जो आपके नॉर्थ डायरेक्शन में होंगे वो आएंगे आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और इससे जो साउथ में होंगे वो आएंगे सदर्न हेमिस्फेयर में. तो जो इंडिया की जो लोकेशन रहती है वो रहती है आपकी एंटायरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है. और वहीं पर आप लॉन्गिट्यूड की बात करें तो जैसे कि आपको पता है, लैटिट्यूड कुछ इस तरीके से होते हैं. मैं थोड़ा सा आपको ब्रॉडर व्यू दिया दे रहा हूँ, क्योंकि ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, हमारी जो पिछली क्लासेस थी हमने उसमें डिस्कस कर लिए थे, ठीक है. और लॉन्गिट्यूड कुछ इस तरीके से होते हैं, और हमने प्राइम मेरिडियन या फिर 0 डिग्री माना था. एंड 0 डिग्री से जो ईस्ट में होते हैं वो आते हैं आपके ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है. और वहीं पर जो आपके वेस्ट में होते हैं वो आते हैं वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है. तो इंडिया की जो लोकेशन रहती है वो रहती है आपके ईस्टर्न हेमिस्फेयर में और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है. मतलब यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ठीक है. और जो इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखें हम, तो हमारा जो मतलब कितने से कितने लैटिट्यूड तक ये फैली हुई है आपका इंडिया की जो लोकेशन है, तो वो फैली है ऑलमोस्ट 8 डिग्री से लेके अराउंड 37 डिग्री, ठीक है. 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री, मतलब इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है ये, बट अप्रोक्सीमेटली इसका जो डिफरेंस रहता है वो रहता है अराउंड 30 डिग्री. एंड वहीं पर आपका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट रहता है वो रहता है 68 टू अराउंड 97 डिग्री, 68 टू 97 डिग्री, ठीक है. इसका भी आपका जो टोटल लैटिट्यूडनल डिफरेंस रहता है वो रहता है आपका अराउंड 30 डिग्री, ठीक है. और वहीं पर अगर डिस्टेंस की बात कर ले, तो यहाँ से देख सकते हो आप, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस रहता है वो रहता है अराउंड 3214 किलोमीटर. एंड वहीं पर जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिफरेंस रहता है वो रहता है अराउंड 2933 किलोमीटर. तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इंडिया का जो लैटिट्यूडनल जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, वो है अराउंड 3214 किलोमीटर, और लॉन्गिट्यूडनल जो डिस्टेंस है वो कम है, ठीक है. कई बार पूछा जाता है कि आपका मतलब लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस ज़्यादा है या फिर लैटिट्यूडनल डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है. और अब हम बात कर लेते हैं कि और एक और फैक्ट है इससे रिलेटेड, मैं इसको पहले रब कर लेता हूँ, ठीक है. सो इंडिया से आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कि आपको पता है 32.5 डिग्री होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ, वो यहाँ पे आपको दिखेगा. वो आपको इंडिया की जो कंट्री है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और ये इन इन स्टेट से होकर गुजरता है. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ कर देता हूँ. सो ये टोटल आपके 8 स्टेट से होकर गुजरती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है. एंड वो स्टेट्स हैं आपके, यहाँ पर हो गया गुजरात, यहाँ पर हो गया राजस्थान, यहाँ पे हो गया मध्य प्रदेश. ये आपको बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना मुझे कि कौन कौन सी ये स्टेट्स है, क्योंकि ये आप एटलस से भी कर सकते हो. एंड अगर आप मैंने इससे पहले की वीडियोज में भी इसको कवर कर लिया है ऑलमोस्ट, ठीक है. और ये है छत्तीसगढ़, ये है झारखंड, ये है वेस्ट बंगाल, ये है त्रिपुरा एंड मिजोरम. तो जो आपके 8 स्टेट्स हैं वो है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। और इसमें एक स्टेट से होकर नहीं गुजरती है जिसका नाम है उड़ीसा। कई बार ये पूछा जाता है कि कौन से स्टेट से नहीं गुजरती है, तो वो है आपका उड़ीसा। और स्टेट्स भी पूछे जाते हैं कि कौन कौन से स्टेट से ये गुजरती है, तो ये मैंने आपको आंसर इसका दे दिया है, ठीक है। और इसको मैं अगर रब करूं, सो यहां पर है आपका अरेबियन सी, और इससे नीचे है आपका इंडियन ओशन, यहां पर जैसे आपका श्रीलंका, ठीक है। और यहां पर है बे ऑफ बंगाल, यहां पर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। और यहाँ पर है आपके, ये है आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपके अरेबियन सी में है आपके लक्षद्वीप, और साउथ ईस्ट में है आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया, थोड़ा सा बेसिक सा आपको पता लग गया। सो ये दोस्तों हमने पिछले तो डायग्राम देख लिया था, अब थोड़ा सा आपको फैक्चुअल दे देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे और आपको याद करने में भी ईजी रहे। तो इंडिया की लोकेशन जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, आपके एंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, और इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट रहता है वो रहता है आपका 8 डिग्री ये वाला, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये इतना फैला हुआ है, और लॉन्गिट्यूड में भी इतना रहता है, ठीक है। और ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड करता है आपको 2 इक्वल पार्ट्स में, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इन स्टेट से गुजरता है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि आपके इंडिया के जो साउथ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में है आपके अंडमान एंड निकोबार, और साउथ वेस्ट में है आपके लक्षद्वीप समूह। सो ये दोस्तों कुछ एक फैक्ट्स दे दिए मैंने आपको जो हमने पिछले डायग्राम में देखे थे, एंड जो पीछे मैंने डिस्कस किया था वही है इसमें सब कुछ लिखा हुआ, बाकी आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, पीछे से चेक कर सकते हो, ठीक है। सो इंडिया जो लैंडमास है उसका जो टोटल एरिया रहता है वो रहता है अराउंड 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो आपके टोटल वर्ल्ड का या फिर ग्लोब का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसका अराउंड 2.4% है, ठीक है। और इंडिया है आपकी 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। और इसकी जो लैंड बाउंड्री रहती है वो रहती है अराउंड 15,200 किलोमीटर, एंड मेनलैंड कोस्ट लाइन की जो लेंथ रहती है वो रहती है आपके 7,516 किलोमीटर, ठीक है, जो आपकी इंक्लूड करती है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दोनों को, ठीक है। और आपको जैसे कि हमने ये भी पहले डिस्कस कर लिया था जब हम मैप देख रहे थे कि आपका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट रहता है या फिर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट रहता है वो दोनों रहता है अबाउट 30 डिग्री, ठीक है, डिफरेंस रहता है इनमें, जैसे कि 8 डिग्री से लेके आपका 37 डिग्री था, और फिर 68 से लेके आपका 97 डिग्री ईस्ट, ये ईस्ट और ये नॉर्थ और ये नॉर्थ, ठीक। सो दोस्तों अब हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेरिडियन देख लेते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया देख लेते हैं, ठीक है। सो अगर मैं मैप की बात करूँ थोड़ा सा, अगर आपने ग्लोब देखा होगा तो जैसे कि हमने ग्लोब की क्लास में भी देखा था, फॉर एग्जाम्पल ये है आपका 0 डिग्री, 0 डिग्री से लेके ईस्ट में जो डायरेक्शन थी वहां पर आपका टाइम था वो इंक्रीज होता था, बढ़ता जाता था मेरिडियन से, ठीक है। एंड वहीं पर जो वेस्ट में थे आपके टाइम इंक्रीज हो मतलब घटता था, ठीक है। और इंडिया है, इंडिया की लोकेशन रहती है आपको जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था वो रहती है आपकी ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, मतलब यहाँ पर मेरिडियन से टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक सा कंसेप्ट समझा देता हूँ, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया मतलब अर्थ जो है अपनी रोटेशन है वो कंप्लीट करती है इन 24 आवर्स, ठीक है, मतलब 24 आवर्स में वो 360 डिग्री कंप्लीट कर लेती है, इतना आपको समझ आ गया। सो वो एक आवर में कितना डिग्री कवर कर लेती है आपके अर्थ की जो रोटेशन है वो कर लेती है अराउंड 360/24, तो इसका आ जाएगा आंसर 15 डिग्री, ठीक है, इतना समझ आ गया। मतलब एक आवर में आपके अर्थ है वो 15 डिग्री रोटेशन है वो कंप्लीट कर रही है, ठीक है, 15 डिग्री वो कंप्लीट कर रही है, ठीक है।
तो वो 1 डिग्री कितने मिनट्स में कवर कर लिए थे करती है, तो वो उसको हम देख लेते हैं। तो 1 मिनट के लिए हम इसको पहले आवर को मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपको पता है 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, वो होते हैं अराउंड 60 मिनट्स। ठीक है, 16/15 करेंगे हम तो देख लेंगे कि 1 डिग्री वो अर्थ जो रोटेशन है वो कंप्लीट करती है इन 4 मिनट्स। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। एंड अब जैसे कि आपको पता है, मैं इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूँ पहले। अब जैसे कि ये ग्लोब है, यहाँ पर है आपका 0 डिग्री मेरिडियन। ठीक है, यहाँ से होकर गुजर रहा है, फिर आएगा 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे से करके। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है यहाँ पर भी ऐसे होंगे। ठीक है, इतना आपको थोड़ा सा बेसिक सा समझ आ गया, मतलब 180 डिग्री तक होंगे ये दोनों। ठीक है, यहाँ से 0 से लेके 180 डिग्री तक, और यहाँ पे भी 0 से लेके 180 डिग्री तक। इतना आपको समझ आ गया बेसिक सा। ठीक है, और इसके बाद आपको पता है कि ईस्ट में आपके टाइम है वो बढ़ता जाता है। ठीक, अब जैसे आपको पता है कि 1 डिग्री होता है 4 मिनट्स में कवर करती है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि हर एक डिग्री पे आपका जो टाइम है वो चेंज होता जा रहा है। मतलब 1 डिग्री पे इतना है तो 2 डिग्री पे 8 होगा, मतलब 8 मिनट में कवर करेगी, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो आपका लॉन्गिट्यूडनल जो आपका डिफरेंस रहता है इंडिया में, वो रहता है अराउंड 30 डिग्री का, मतलब कि 68 से लेकर 97 डिग्री तक, मतलब जो डिफरेंस रहता है वो रहता है ऑलमोस्ट 90, मतलब 29 या फिर 30 डिग्री का। और जैसे कि मैंने पहले बोला था कि 1 आवर में वो कितना कवर कर रही थी, मतलब 15 डिग्री। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 2 आवर में कितना कवर कर लेगी वो, 30 डिग्री। आप वहीं पर आप ये देख सकते हो, तो वहीं पर जो आपके जैसे ये गुजरात है, ठीक है, यहाँ पर है आपका गुजरात और यहाँ पर है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और ये है आपका 0 डिग्री। अब यहाँ से लेके आपका टाइम बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और सो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे 30 डिग्री डिफरेंस होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो टाइम मतलब वो रहेगा, डिफरेंस रहेगा वो रहेगा ऑलमोस्ट 2 आवर्स का गैप रहेगा। मतलब कि यहाँ पे जो टाइम रहेगा वो रहेगा 2 आवर्स का डिफरेंस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर 10 बजे हैं तो यहाँ पर कितने बजेंगे, यहाँ पर बजेंगे 12 बजेंगे। ठीक है, अब 68 से लेके देखो यहाँ पर 97 तक लैंग्वेज आएंगे, 69, 73, एसेस करके आपके जो 97 तक लॉन्गिट्यूड चलेंगे। अब आप देख सकते हो कि हर एक लॉन्गिट्यूड में क्या हो रहा है कि आपका जो टाइम है वो बढ़ता जाएगा 4 4 मिनट से। ठीक है, तो अब इसमें काफी दिक्कत क्रिएट हो सकती है। दिक्कत कैसे क्रिएट होती है, फॉर एग्जाम्पल अब आप देखोगे कि अगर आप ही एग्जाम्पल लो कि अगर आप किसी दूसरे स्टेट में कॉल कर रहे हो एंड अगर आप उससे पूछ रहे हो कि आपके क्या टाइम हुआ है, तो अगर वो दूसरे लॉन्गिट्यूड में होगा तो वो अपने लॉन्गिट्यूड के हिसाब से टाइम बताएगा ना, कि उसके लॉन्गिट्यूड में कितना टाइम है, यहाँ वाला कुछ अलग बताएगा। ठीक है, इससे काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, फिर कई बार आपके आप देखोगे कि कई जो ट्रेन्स रहती है वो आपके बड़े लॉन्गिट्यूड पर ट्रैवल करती है। फॉर एग्जाम्पल गुजरात से लेके चल रहे हो, आपकी गुजरात से लेके वो अरुणाचल प्रदेश में ट्रैवल करेगी, या फिर अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पर वो ट्रैवल करेगी। मान लो उसको अरुणाचल प्रदेश से गुजरात मतलब ट्रैवल करना है, पर अगर हम इस लैंग्टीट्यूड के हिसाब से चलें तो यहाँ पर तो कब के 10 बजे बज गए हैं ना, पर अगर यहाँ से जब वो मूव करेगी, जैसे पीछे पीछे मूव करेगी, तो उसको लगेगा कि टाइम घटता जा रहा है। ठीक है, पर वैसा तो कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो पहले ही 10 बज गए हैं। ठीक है, सो इससे काफी कंफ्यूजन क्रिएट होती थी, तो इसके लिए क्या किया गया, एक स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन रखा गया, जो रखा गया था आपका 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट वाले जो लॉन्गिट्यूड का जो टाइम था उसको आपका स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन घोषित कर दिया गया आपका इंडिया का। अब स्टैंडर्ड मेरिडियन इससे हम समझ क्या रहे हैं, हमने बोल तो दिया कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, हमने ये वो कर लिया, इस लॉन्गिट्यूड का हमने 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड का जो टाइम है वो हमने स्टैंडर्ड टाइम मान लिया आपके इंडिया का। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में हम देखें तो इसका मतलब ये रहता है कि आपके जो
पूरी इंडिया की जो क्लॉक्स होगी वो इस टाइम के हिसाब से सेट की जाएगी। मतलब अगर यहाँ पे 5 बजे है तो इंडिया की हर एक क्लॉक्स पर आपके वही टाइम होगा। ठीक है, इतना आपको बेसिक सा समझ आ गया, और ये आपके पूरे इंडिया के लिए आपका एक स्टैंडर्ड टाइम घोषित किया गया है। और ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है ये गुजरता है आपका थ्रू मिर्ज़ापुर, जो कि है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और दूसरी जो लाइन कह रही है वो कह रही है आपका लैटिट्यूडनल इन एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एज वी मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, अब इसका क्या मतलब रहता है, मैं इसको पहले रब कर लेता हूँ तब आपको समझाता हूँ इसको। वो इसका सिंपल सा लैंग्वेज में अगर देखें, लैटिट्यूड से आपको पता है कि आपका 8 डिग्री लैटिट्यूड था, फिर 8 डिग्री से लेके आपका 37 डिग्री तक हमारा जो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट रहता है। ठीक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी पूरी ऐसे कुछ कंट्री फैली है। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ उसका इस लाइन का मतलब क्या होता है। सो फ्रेंड्स, इस लाइन को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, मान लो ये है आपकी अर्थ और ये है आपके रोटेशनल एक्सिस, मतलब इस पे आपके अर्थ है वो रोटेट कर रही है। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ, ये है आपका इक्वेटर 0 डिग्री। ठीक है, ये आपके फर्दर लैटिट्यूड्स होंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गए। ठीक है, अब आप जैसे पता है कि सनलाइट यहाँ से आ रही है, सनलाइट जैसे यहाँ पर फॉल करती है, तो जैसे यहाँ पर फॉल करेगी, मान लो यहाँ पर फॉल किया है सनलाइट्स ने, तो जहाँ पर सनलाइट फॉल करेगी वहाँ पर तो आपको पता है वहाँ पर आपके डे होगा। ठीक है, और जहाँ पर नहीं करेगी वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपके नाइट्स होगी। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया बेसिक सा। अब एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ आपको। अब जैसे आप देख सकते हो ये है आपका इक्वेटर, तो इक्वेटर और इसमें जो आपका डिफरेंस रहेगा ड्यूरेशन या फिर लेंथ रह से कह सकते हो आप डे और नाइट की, वो ऑलमोस्ट सेम है। पर वहीं पर जैसे ही आपका मतलब बड़े लैटिट्यूड्स में जाते हो तो आपके जो ड्यूरेशन है देखो डे की वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपके नाइट की जो ड्यूरेशन है वो कम है, यहाँ पर और शॉर्ट हो गई, यहाँ पर नाइट की ड्यूरेशन बढ़ गई, मतलब डे की ड्यूरेशन है वो बढ़ गई। इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हो, 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 यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपके जो ड्यूरेशन है डे की वो बढ़ती जा रही है। वहीं पर आपका यहाँ पर देखो आपके, यहाँ पर आपके विंटर्स चल रहे हैं, और पर यहाँ पर आपके देखो यहाँ पर आपके सन की लाइट्स है कुछ इस तरीके से पड़ रही है। ठीक, तो यहाँ पर जो नाइट की जो ड्यूरेशन है आपके साउथ में वो इस तरीके से, मतलब नाइट की ड्यूरेशन यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर डे की कम है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया बेसिक सा। और यही ये लाइन कह रही है कि द लैटिट्यूडनल इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एज वी मूव फ्रॉम साउथ साउथ टू नॉर्थ। अब इसका क्या मतलब होगा, जो आपके इक्वेटर के थोड़े से पास होंगे जो लोकेशंस, वहां पर आपके जो ड्यूरेशन रहेगी डे और नाइट की वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी, पर जैसे ही आपके आपके और फर्दर नॉर्थ में जाओगे आप, तो आपकी जो ड्यूरेशन है वो आपकी चेंज होती रहेगी। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। एंड जो नेक्स्ट लाइन है वो कहती है आपकी द कॉन्टिनेंट्स आर फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जो आपके कॉन्टिनेंट्स है वो कौन कौन से सबसे लार्जेस्ट है, सो सबसे लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट है वो है आपका एशिया, एशिया के बाद आता है अफ्रीका, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ये सब जो फैक्ट्स हैं हमने पिछली क्लासेस में देख लिए है, तो मैं इतना ज़्यादा वो इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। अब हम इंडियन वर्ल्ड के बारे में देख लेते हैं कि इंडिया वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में कहाँ स्टैंड करती है, मतलब इन टर्म्स ऑफ एरियाज वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले बोल दिया था कि आपके का जो इंडिया का जो एरिया है वो आपके टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का अराउंड 2.47 है, 2.4% है। ठीक है, और 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। अगर ये 7th लार्जेस्ट है तो 7th लार्जेस्ट है तो आपकी फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री कौन है, तो सबसे जो टॉप पे आती है वो है आपकी रशिया, रशिया के बाद आती है कनाडा, कनाडा के बाद आता है यूएसए, यूएसए के बाद है चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ठीक है, और इंडिया आपके एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, जो कि आपका है साउथ वर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। ठीक है, एंड ये जो लाइन है इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे कि आपका ये है आपका डेक्कन पेनिनसुला। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपका डेक्कन जो पेनिनसुला है
वो आपके यहाँ पर है आपका इंडियन ओशन, ठीक है। और ये जो यहाँ पर कुछ एक पोर्ट्स रहते हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये पोर्ट्स हो गए, ये हेल्प करते हैं आपके टू टू एस्टैब्लिश अ क्लोज रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अफ्रीका, जैसे यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर अफ्रीका, तो यहाँ पे यहाँ से आप ट्रैवल कर सकते हैं अफ्रीका के लिए, फिर यहाँ से आप मतलब यूरोप हो गया, ठीक है। और यहाँ से आपका साउथ ईस्ट एशिया वगैरह, ये सब कंट्रीज है, इन साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज है उनको आप कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे आप ट्रेड वगैरह कर सकते हो, ठीक है। अब पहले क्या होता था कि यूरोप को पहले यहाँ से होकर जाना पड़ता था, पर जैसे यहाँ पर आपके सुएस कैनाल हुई है, तो लोग यहाँ से जो ट्रैवल है, ट्रैवल का जो टाइम है वो काफ़ी कम हो गया, तो यहाँ से जाकर आपको सीधा मतलब यूरोप में कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये दोस्तों हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि जैसे आपके सुएस कैनाल जो कि आपके ओपन हुई थी 1869 में, तो इससे क्या हुआ, इससे हेल्प हुई आपके जो इंडिया का जो डिस्टेंस था यूरोप के लिए, पहले अफ्रीका से होकर गुजरना पड़ता था फिर यूरोप पहुंचते थे, ठीक है। बट अब क्या हुआ, इसकी वजह से आपका जो डिस्टेंस है वो काफ़ी शॉर्ट हो गया, और ये शॉर्ट हुआ है अराउंड 7000 किलोमीटर, इतना जो डिस्टेंस है वो कम हो गया है। तो अगर डिस्टेंस कम हुआ है तो लाजमी सी बात है कि जो आपका टाइम है वो भी कम हो लगेगा मतलब ट्रैवल करने में, ठीक है। अब ये हम जो ये सी रूट्स की या फिर मैरिटाइम रूट्स की होगी बात जब कर रहे हैं, तो ये तो आपका अभी रिसेंट सा फिनोमेना है। इससे पहले जो आपका जो ट्रैवल होता था मोस्टली आपका लैंड रूट्स के थ्रू होता था, और कई जो आपके पासिस है आपके माउंटेन्स से, इन्होंने काफ़ी फैसिलिटेट किया है आपके दूसरी जो कंट्रीज है उनके साथ कनेक्ट करने में। और इस कनेक्ट का फायदा ये रहा है कि आपके जो कुछ एक जो आपके इंडिया के लिटरेचर हो गया या फिर लेजेंड्स हो गए, फॉर एग्जांपल उपनिषद हो गया, रामायण हो गया, पंच पंच तंत्र हो गए, ये आपके जो दूसरी कंट्रीज हो गई या फिर दूसरे जो एरियाज है, इन्हीं लैंड रूट्स के थ्रू आपके दूसरे एरियाज में देखा गया है। एंड अगर आप हमारे मतलब यूजुअल फॉलोअर्स हैं, मतलब आप हमारी वीडियोस को हर रोज देखते हैं, तो आपने हमने एक रामायण के ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी कि आपके साउथ ईस्ट एशिया में कैसे मतलब रामायण के आपके डिफरेंट डिफरेंट रूप देखे जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि आपका रामायण अभी आपके मतलब साउथ ईस्ट एशिया जो कंट्रीज है वहां पर तक आपके पहुंची है, वहां पर आपके डिफरेंट डिफरेंट जो रामायण के जो रूप है वो दिखते हैं। फिर उपनिषद हो गया, फिर आपके बुद्धिज्म हो गया, बुद्धिज्म आपके दूसरी दूसरी साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हो गई, आपके चाइना तक ट्रैवल किया है, ठीक है। अब चाइना के जो कुछ एक ट्रैवलर होते थे वो इंडिया आते थे, इन्हीं लैंड रूट्स के थ्रू आते थे, कुछ एक मतलब ऐसे जो ट्रैवलर होते थे वो यहाँ पर आते थे। एंड प्लस आपके जो मुगल के जो मुगल जब इन्वेजन हुआ, ये कह सकते हो आप, ये इन्होंने जब आपके ये भी लैंड रूट्स के थ्रू आए थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना आर्किटेक्चर हो गया, कल्चर हो गया, ये सब आपके वेस्ट एशिया से लेकर आए और यहाँ पर आपके इंडिया में चलकर हमारे कल्चर में ये एसिमिलेट हो गए, ठीक है। डोम्स, मिनारेट्स, ये सब आपके मुगल्स वगैरह लाए, ठीक है। एंड जब हम आर्ट एंड कल्चर देखेंगे तो उसमें हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो स्लाइड है वो ये है आपके थ्री यूनियन टेरिटरीज, दमन दीव, दादरा नगर हवेली आपके आते हैं वेस्टर्न कोस्ट में, और जो पुदुचेरी आता है वह आता है आपका ईस्टर्न कोस्ट में। सो इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि आपका एक मैप बना लेता हूँ पहले। ठीक है। सो दोस्तों आप देख सकते हो, आप यहाँ पर है आपका दीव, और यहाँ पर है आपका दमन, ठीक है, और यहाँ पर है आपका दादरा नगर हवेली, ठीक है। यहीं पर जैसे दादरा नगर हवेली,
ये आप देख सकते हो, ये जो तीन है आपके अराउंड है आपके वेस्ट वेस्टर्न कोस्ट में, और ये है आपका वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है, और यहाँ पर है आपका पुदुचेरी जो कि आप देख सकते हो आता है आपका ईस्टर्न कोस्ट में, ठीक है। एंड ये कुछ एक जो स्टेट्स हैं जो आपके मतलब जो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं आपके जो आपके इंडिया के जो नेबरिंग कंट्री हैं उनके साथ में, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान का कुछ इस तरीके से मैप है, मतलब इंडिया के साथ कुछ इस तरीके से लगता है, ठीक है, यूं करके आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो इन मतलब इसके साथ जो करती है, एक तो जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, और दूसरा हो गया राजस्थान, राजस्थान यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर है गुजरात एक दो, और यहाँ पर है पंजाब। तो अराउंड फोर जो स्टेट्स हैं अब वो आपके पंजाब के मतलब पाकिस्तान के साथ अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करते हैं। तो इसमें है आपके जम्मू एंड कश्मीर जो कि ये हो गया फर्स्ट, यहाँ पर हो गया पंजाब, यहाँ पर हो गया राजस्थान, यहाँ पर हो गया गुजरात, ठीक है। तो ये चार स्टेट्स हैं जिनके साथ पाकिस्तान अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करता है। एंड चाइना के साथ देखते हो आप, यहाँ पर है चाइना का कुछ एक मैप इस तरीके से देखते हो, ये है आपका चाइना, ठीक है, इस तरीके से कुछ एक मैप है यहाँ पर, और ज़्यादा स्पेस होने के से मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो इसके साथ जो आपके जो स्टेट शेयर करते हैं अपनी बाउंड्री वो है आपके हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर हो गया, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, और फिर सिक्किम हो गया, सिक्किम ये है इधर, फिर उत्तराखंड हो गया, इधर उत्तराखंड है, ठीक है, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये जब आपके मैं अभी पूरा मैप दिखाऊंगा तो उसमें भी इसको कवर कर दूंगा, ठीक है, जब आपका मैप आएगा इसका। और म्यांमार के साथ आप देख सकते हो, म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश शेयर करता है, नागालैंड करता है, मणिपुर करता है, मिजोरम करता है, फिर बांग्लादेश के साथ बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, झारखंड हो गया, आसाम हो गया, त्रिपुरा, ये सब स्टेट्स हैं आपके बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री है वो शेयर करते हैं। सो दोस्तों अब जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो प्रेजेंट इंडिया में आपके जो डिफरेंट स्टेट्स में आपके जो इंडिया है वो डिवाइडेड है। तो इससे पहले जो 1947 की जो कंडीशन थी वो ऐसे थी कि यहाँ पर जो इंडिया के जो स्टेट्स थे वो आपके टू टाइप्स में डिवाइडेड थे। एक थे आपके प्रोविंसेस, प्रोविंसेस आपके जहाँ पर आपके ब्रिटिशर्स रूल करते थे, ठीक है, वहां पर अपने लॉ चलाते थे, उनको एग्जीक्यूट करते थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स वर रूलिंग, ठीक है, और वहीं पर आपके जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जैसे कि आपको पता ही है प्रिंस से मतलब, वहां पर आपके जो प्रिंसेस हो गए वो या फिर लोकल रूलर्स होते थे ये रूल करते थे, और ये थोड़ी सी जहां पर ये रिस्पेक्टिव एरियाज में अपने लोग अटोनोमी वो करते थे, असर्ट करते थे। और इन्होंने ऐसा किया हुआ था कि इन्होंने मान लिया था कि जो ब्रिटिश की जो सोवरेनिटी है, अंडर द ब्रिटिश सोवरेनिटी, ब्रिटिश सुवरेनिटी देवर रूलिंग इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज, ठीक है, इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज, ठीक है, इतना सा आपको समझ आ गया। सो ये दोस्तों कुछ एक मैप है इंडिया के जो नेबर्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है पाकिस्तान जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया था, अभी पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, सिक्किम हो गया, सिक्किम तो आपके इंडिया का स्टेट है, ठीक है, नेपाल हो गया, फिर ठीक है, फिर भूटान हो गया, फिर बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है, यहाँ पर श्रीलंका है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, ठीक है, यहाँ पर लक्षद्वीप ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये है मालदीव, और ठीक है, सो ये सब आपको समझ आ गया बेसिक से थोड़ा सा। ये वो है, यहाँ पर अफगानिस्तान है, ठीक है, और यहाँ पर चाइना है। सो दोस्तों आप देख लेते हैं आपकी कि कौन से जो स्टेट्स हैं वो आपके अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो अपना जो बॉर्डर है वो शेयर करते हैं। तो पाकिस्तान की बात करें हम, तो पाकिस्तान यहाँ पर है जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर है राजस्थान, यहाँ पर है गुजरात, यहाँ पर है पंजाब, ठीक है, तो ये चार स्टेट्स के साथ अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करते हैं पाकिस्तान, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, और ये हो गया फोर्थ, ठीक है। और चाइना की बात करें तो चाइना आपके जम्मू एंड कश्मीर के साथ करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ करता है, यूके के साथ करता है, ठीक है,
उत्तराखंड के साथ करता है, फिर सिक्किम हो गया, फिर अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सब आपके जो स्टेट्स हैं इनके साथ अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करता है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर हो गया, ठीक है। फिर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के साथ यहाँ पर है त्रिपुरा, यहाँ पर है मिजोरम, ठीक है, और फिर हो गया मेघालय, फिर हो गया आसाम, फिर हो गया वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल के साथ है आपके, बांग्लादेश के साथ देखिए तो बांग्लादेश के साथ है त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, मेघालय, फिर वेस्ट बंगाल, ये सब आपके जो स्टेट्स हैं ये बांग्लादेश के साथ अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करते हैं, ठीक है। फिर वहीं पर आपकी म्यांमार की बात करें तो म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर नागालैंड हो गया, फिर मणिपुर हो गया, फिर मिजोरम हो गए, इनके साथ ही ये जो म्यांमार है अपनी बाउंड्री है वो शेयर करता है। अब आपको पता है कि श्रीलंका, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर अब क्या होता है कि ये इंडिया से सेपरेटेड है बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म बाय अ पल्क स्ट्रेट, ठीक है। ये यहाँ पर एक पल्क स्ट्रेट है। अब स्ट्रेट क्या होती है? स्ट्रेट वो एक पॉइंट होता है जो आपके टू लार्जर मतलब वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल और यहाँ पर है इंडियन ओशन, तो ये जो एरिया है आपके टू एरियाज को कनेक्ट कर रहा है, टू वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है, एंड गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। स्ट्रेट इज अ नैरो पीस ऑफ सी दैट जॉइंट्स टू लार्जर सीज, ठीक है। वहीं पर जो इस्थमस होता है, इस्थमस हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, इस्थमस आपका वो होता है जो दो लार्जर जो लैंड बॉडीज होती है उनको कनेक्ट करता है, ठीक है। या फिर ऐसे भी कह सकते हो आपके जो आपके वाटर बॉडीज को है वो डिवाइड करता है, मतलब सेपरेट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल ये कुछ इस तरीके से हो गया, यहाँ पर एक लैंड बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर ये कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये कनेक्ट भी कर रहा है और ये टू वाटर बॉडीज को क्या कर रहा है, वो सेपरेट भी कर रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से कुछ इस्थमस हो गया। और सो आपको बेसिक सा समझ आ गया ना, मतलब स्ट्रेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है और इस्थमस के बीच में क्या होता है। अब द सन राइजेस 2 आवर्स अर्लियर, ये क्वेश्चन है आपका, द सन राइजेस 2 आवर अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कंपेयर टू गुजरात इन द वेस्ट, बट द वॉचेस शोज द सेम टाइम। अब जैसे कि आपको पता है आपका कि अर्थ है वो रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, मतलब कि आपके जो ईस्ट में जो एरियाज रहेंगे वो जल्दी सन फेस करेंगे। एंड वहीं पर आपको जैसे कि आपको पता है मतलब जो अरुणाचल प्रदेश में जो सन होगा वो जल्दी मतलब राइज करेगा, ठीक है, एज कंपेयर टू यहाँ पर गुजरात में। और जैसे कि आपको पता है कि हमने एक हमारे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 आवर्स का वो रहता है, मतलब डिफरेंस रहता है अगर हम लॉन्गिट्यूड लेके चल रहे हैं, ठीक है। बट हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम, स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया है, इसकी वजह से क्या होता है कि हमने जिसकी वजह से जो हमारी जो वॉचेस हैं वो सेम टाइम है वो शो करती है, सेम टाइम शो करती है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया, और ये कंसेप्ट मैंने पहले भी समझा दिया आपको, और ये लाइन भी मैंने समझा दिया पहले कि स्टैंडर्ड टाइम इज रेफर्ड एज द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ क्लॉक्स विद इन अ सर्टन जियोग्राफिकल एरिया टू अ सिंगल स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग सोलर टाइम और लोकली चोजन मेरिडियन टू एस्टेब्लिश अ लोकल मीन टाइम पीरियड, ठीक है। ये मैंने पहले समझा दिया ये लाइन, इसको ज़्यादा मतलब फोकस नहीं करूँगा आपको। सो अब थोड़ा सा एक मैप स्किल्स के बारे में देख लेते हैं। आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया लाइंग इन द अरेबियन सी एंड वेस्ट बंगाल, जैसे कि आप मतलब बे ऑफ बंगाल, तो आपको पता है यहाँ पर है आपके बे ऑफ बंगाल और यहाँ पर है आपके अरेबियन सी, और बे ऑफ बंगाल में आपके अंडमान एंड निकोबार ग्रुप्स हैं, मतलब आइलैंड ग्रुप्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर है आपके लक्षद्वीप। सो दोस्तों अब हम देख लेते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे आपके कौन कौन सी जो कंट्री है वो आती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आती है पहले एक पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान नहीं आता, ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ठीक है, फिर श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, ये कुछ जो कंट्रीज है वो आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आती है, ठीक है। इसको मैं आपको फर्दर जो स्लाइड आएगी उसमें भी दिखा दूंगा। सो ये देख सकते हो आप इंडिया के जो
सब कॉन्टिनेंट में आपके कौन कौन सी कंट्री आती है? पहले आती है इंडिया, फिर आता है पाकिस्तान, फिर बंगाल, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका। और आपके इंडियन के नेबर्स के ट्रिक याद करने के लिए कुछ एक ट्रिक है, जैसे कि बांग्लादेश, यह है बचपन बी ए, बचपन बी ए। सो इसमें जो बी ए हो गया वो हो गया बांग्लादेश, सी एच हो गया चाइना, पी ए हो गया पाकिस्तान, फिर हो गया नेपाल, फिर हो गया भूटान, फिर हो गया अफगानिस्तान। ठीक है, सो ये है ट्रिक बचपन MBA। सो ये आपके शो करता है कि आपकी कौन से जो वो है कंट्रीज है वो आपके लार्जेस्ट बाउंड्री है वो शेयर करते हैं इंडिया के साथ। सो सबसे जो लार्जेस्ट बाउंड्री रहती है वो रहती है आपकी बांग्लादेश के साथ, फिर सी एच मतलब चाइना, फिर पी से हो गया पाकिस्तान, फिर हो गया आपका बचपन, बचपन से आपका ये हो गया पी ए से हो गया पाकिस्तान, एन से हो गया नेपाल, फिर हो गया म्यांमार, फिर हो गया भूटान, फिर हो गया नेपाल, नहीं अफगानिस्तान। ठीक है, ये है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो फर्स्ट आती है बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर हो गया नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड।